एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास एक ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, बी के एक्स टू वाई टू, सी के हैं एक्स थ्री वाई थ्री। बी से परपेंडिकुलर डाला हमने एक्स एक्सिस पे डी पॉइंट पे, ए से परपेंडिकुलर डालेंगे हम ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एफ, और सी से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो ई। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ए बी सी है, इसके कोऑर्डिनेट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक तो हमारे पास होता है वन अपॉन में टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। जब हमारे पास गिवन होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं वन अपॉन टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। एक होता है हमारे पास हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला में होता है हमारे पास एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसका रूट। जब हमारे पास थ्री साइड होती हैं ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल है स्केलेनिक ट्रायंगल जिसकी साइड है वो डिफरेंस डिफरेंस होती है, तो उसमें हम हीरोन फॉर्मूला है अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट ए बी सी है और इसमें हमारे पास हमने कंस्ट्रक्ट किया है परपेंडिकुलर बी डी ए एफ एंड सी ऑन एक्स एक्सिस पे। तो अब हम इस ट्रायंगल से ही फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ए बी डी एफ, ये हमारे पास एक ट्रेपिजम है और एक है ए एफ ई और सी, एक ये ट्रेपिजम है। जब हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एफ पे तो हमारे पास दो ट्रेपिजम बने हैं ए बी डी एफ ए एफ ई सी, दो ट्रेपिजम, और हमारे पास एक ट्रेपिजम है बी डी ई सी, ये हमारे पास तीन ट्रेपिजम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रेपिजम, ट्रेपिजम हमारे पास ए बी डी एफ प्लस में एरिया ऑफ ट्रेपिजम, ट्रेपिजम ए एफ ई सी, ए एफ ई सी माइनस में एरिया ऑफ ट्रेपिजम, ट्रेपिजम हमारे पास बी डी ई सी, बी डी ई सी, ये हमारे पास जब इन दोनों का ऐड करेंगे और उसमें से जब हम डी बी सी ई है उसका एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपिजम हमारे पास, जैसे ये हमारे पास ट्रेपिजम है, ये ट्रेपिजम इसकी पैरेलल साइड है हमारे पास ये ए मान ली हमने और ये हमारे पास बी, इसकी हाइट है वो ये हमारे पास एच। जब एरिया ऑफ ट्रेपिजम निकालते हैं तो वो होता है हमारे पास वन अपॉन में टू मल्टीप्लाई हाइट इंटू में सम ऑफ टू पैरेलल साइड, यानी कि हाइट से मल्टीप्लाई हाफ ऑफ हाइट एंड पैरेलल साइड है उसका हम क्या करते हैं सम। ये सेम फॉर्मूला हम इस ट्रेपिजम और इस ट्रेपिजम में लगाएंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी एरिया ऑफ ट्रेपिजम ए बी डी एफ निकालते हैं तो ये आएगा हमारे पास वन अपॉन में टू हाइट, हाइट है जैसे ए बी डी एफ लेंगे हम तो इसमें हमारे पास जो इसकी हाइट है वो है डी एफ और पैरेलल साइड है वो हमारे पास है बी डी और ए एफ, तो ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इज डी एफ एंड सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इज बी डी प्लस में ए एफ, फिर प्लस में हाफ ऑफ, अब
लेंगे ट्रेपिजम ए एफ ई सी, ए एफ सी में हाइट, हाइट है वो हमारे पास हो जाएगा एफ ई, एफ ई प्लस में सम ऑफ टू पैरेलल साइड ए एफ प्लस में सी ई, माइनस में एरिया ऑफ ट्रेपिजम बी टी ई सी, वन अपॉन में टू मल्टीप्लाई हाइट, हाइट है वो जब बी डी सी ई लेंगे हम तो डी ई है वो क्या है इसकी हाइट, इनटू में सम ऑफ टू पैरेलल साइड यानी कि बी डी प्लस में सी ई, ये हमारे पास आएगा फॉर्मूला एरिया ऑफ ए ट्रेपिजम। इक्वल टू लेंगे हम जब डी एफ फाइंड आउट करते हैं, हम डी एफ फाइंड आउट करें तो देखिए कैसे निकालेंगे हम हाइट है वो डी एफ, डी एफ निकालेंगे यानी कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे लाई है हमारे पास तो ओ एफ, ओ एफ माइनस में ओ डी, ये हमारे पास आएगा डी एफ। और फिर हमें क्या निकालना है, ये था हमारे पास एफ ई, तो एफ ई जब हम निकालते हैं एफ ई तो वो आएगा हमारे पास एफ ई। अब यहां से ओरिजिन पॉइंट से यहां से लेंगे ओ ई, ओ ई माइनस में एफ ई फाइंड आउट करना है तो ओ ई माइनस में आएगा हमारे पास ओ एफ। फिर फाइंड आउट करना हमें डी ई, डी ई है जब ये डी ई फाइंड आउट करेंगे डी और ई तो फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ओ ई माइनस में डी ई फाइंड आउट करना है, डी ई फाइंड आउट करेंगे तो आएगा माइनस में ओ डी, ओ एफ माइनस में ओ डी, ओ एफ, एफ का पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस पे देखना है, एक्स का पॉइंट इज एक्स वन तो ये आएगा एक्स वन माइनस में ओ डी, ओ डी, ओ डी है वो हमारे पास यहाँ लाई करता है, इसका एक्स एक्सिस पॉइंट है हमारे पास एक्स टू, एक्स वन माइनस में एक्स टू, ओ ई माइनस में ओ एफ, ओ ई, ई ओ ई है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट देखेंगे वो हमारे पास है एक्स थ्री, माइनस में ओ एफ, ओ एफ, एफ का एक्स एक्सिस पॉइंट देखेंगे हमारे पास है वो है एक्स वन। फिर हम देखते हैं OE, OE का हमारे पास आएगा X3 माइनस में OD, OD, D का पॉइंट लेंगे वो आएगा हमारे पास X2, यानी कि जो हमारे पास हाइट है DF, EF एंड DE ये आ गए हमारे पास X1 माइनस X2, X3 माइनस X1 एंड X3 माइनस में X2, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम तो ये आएगा हमारे पास, इसको रफ करते हैं और ये डायरेक्ट वैल्यू है वो पुट करेंगे हम यहाँ पे, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू एंड वन अपॉन टू है वो हमारे पास ऑल ओवर है कॉमन, यहाँ आएगा हमारे पास डी एफ, डी एफ की वैल्यू हमारे पास है एक्स वन माइनस में एक्स टू, ये हमारे पास डी एफ की वैल्यू। फिर बी डी, बी डी प्लस में ए एफ, बी डी, एफ बी और डी को देखेंगे ये हमारे पास वाई एक्सिस पे, ये वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास वाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास होता है एक्स एक्सिस पे, तो जब बी डी, बी डी देखेंगे तो बी डी का वाई एक्सिस पॉइंट हमारे पास है वाई टू, प्लस में ए एफ, ए एफ, ए एफ का जब हम वाई एक्सिस देखेंगे तो वो हमारे पास है वाई वन, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में वन अपॉन टू इज कॉमन थ्रू आउट एंड ई एफ, ई एफ की वैल्यू है वो हमारे पास एक्स थ्री माइनस में एक्स वन, इसको रफ कर देंगे। फिर हमारे पास है ए एफ, ए एफ, ए एफ का वाई एक्सिस इज वाई वन प्लस में सी ई, सी ई का वाई एक्सिस है वो हमारे, सॉरी वाई एक्सिस है वो हमारे पास वाई थ्री, सॉरी ये था हमारे पास एक्स थ्री माइनस में एक्स टू। अब प्लस में,
सॉरी माइनस में आएगा हमारे पास डी ई, टी ई की वैल्यू है एक्स थ्री माइनस में एक्स टू, ये आएगा। अब हम यहाँ बी डी, बी डी, बी डी का वाई एक्सिस है वो है हमारे पास वाई टू, प्लस में सी ई, सी ई का वाई एक्सिस है वो हमारे पास है वाई थ्री, ये हमारे पास आएगी इसकी इक्वेशन। अब हमें इससे इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन 2 इज कॉमन, x1 की मल्टीप्लाई पूरी टर्म के साथ करेंगे, ये आएगा x1 y2, x1 y2 प्लस में x1 y1, फिर x2 की मल्टीप्लाई फुल टर्म के साथ करेंगे, ये आएगा हमारे पास x2 y2 माइनस प्लस इज माइनस x2 y1, प्लस में x3 से करेंगे x3 y1 प्लस में x3 y3, माइनस में x1 से करेंगे माइनस में x1 y1, माइनस प्लस इज माइनस x1 y3। अब करेंगे हम माइनस वाई टर्म से, इसको हम ब्रैकेट में लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो होल साइन है वो चेंज हो जाएंगे। x3 की मल्टीप्लाई करते हैं हम x3 y2 प्लस में x3 y3, अब माइनस में x2 y2, x2 y2 माइनस में x2 y3, कुछ नहीं, इसमें हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है। अब हम करेंगे इसको सोल्व, ऊपर वाला टर्म है इसको रफ कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन 2, x1 जो कैंसिल होते हैं हम वो कैंसिल करेंगे, x1 y1 प्लस का और यहाँ x1 y1 है वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और कोई टर्म हमारे पास कैंसिल नहीं हो रही है, तो ये आएगा x1 y2 माइनस में x2 y2 माइनस में x2 y1 प्लस में x3 y1 प्लस में x3 y3, x3 y3 माइनस में x1 y3। अब माइनस का साइन अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में x3 y2 ये प्लस है माइनस हो जाएगा हमारे पास, x3 y3 ये माइनस प्लस हो जाएगा, x2 y2, x2 y2 ये माइनस है वो हो जाएगा हमारे पास प्लस में x2 y3, ये आ जाएगा। नीचे वाला हम क्या है रफ करेंगे, कंसेप्ट है वो क्लियर होने जरूरी है। ये देखिए फिर, अब इसमें हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, x2 y2, x2 y2 कैंसिल, x3 y3 एंड x3 y3। अब जो हमारे पास बच गए उनको लिखते हैं, 1 अपॉन में 2 x1 y2 माइनस में x2 y1 प्लस x3 y1 यहाँ पे माइनस में x1 y3 माइनस में x3 y2 और प्लस में x2 y3। x1 की टर्म है वो हम कंबाइन करेंगे और y x2 की अलग कंबाइन और x3 की है उनको अलग अलग कंबाइन करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस में एक्स वन वाई थ्री माइनस में एक्स टू वाई वन और प्लस में x2 y3
प्लस में एक्स थ्री वाई वन एंड माइनस में एक्स थ्री वाई टू। वन अपॉन टू, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास एक्स वन है वो कॉमन, तो एक्स वन इज कॉमन, वाई टू माइनस में वाई थ्री। इन दोनों में हमारे पास एक्स टू है वो कॉमन आएगा, तो यहां लिख लिया मैंने प्लस में एक्स टू, प्लस वाई टर्म है उसको हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, ये आएगा हमारे पास वाई थ्री माइनस में वाई वन। फिर यहाँ पे एक्स थ्री इज कॉमन, एक्स थ्री कॉमन यहाँ आएगा वाई वन माइनस में वाई टू। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा जब हमारे पास ए बी और सी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा एक्स वन वाई टू माइनस में वाई थ्री प्लस में एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस में एक्स थ्री वाई वन माइनस में वाई टू मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन में टू। हम इसको लर्न ऐसे कर सकते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री, फिर हमारे पास टू थ्री वन, फिर थ्री, थ्री से लेंगे हम यहाँ पे आएगा, सॉरी टू से लेंगे टू थ्री वन, और फिर आएगा थ्री वन टू, ये हमारे पास इसका सर्कल आएगा। और लर्न करेंगे वन ट्वेंटी थ्री, टू थर्टी वन एंड थ्री वन टू, दैट्स इट। इट इज द फॉर्मूलाज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।